कैंड थाना क्षेत्र के मऊ खान में हुए दलित हत्याकांड में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी सरपंच सहित कुल 13 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। करीब 1.5 वर्ष पूर्व इस मामले में सरपंच ने आपसी रंजिश को भुनाते हुए न सिर्फ दलित के घर में तोड़फोड़ की बल्कि उसकी हत्या करने के बाद इस घटना को बेहद नाटकीय रूप दे दिया। पुलिस की पड़ताल के बाद आरोपी पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था। दोषित दोनों पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपी सरपंच राम शर्मा सहित कुल 12 लोगों को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद इस बात का खुलासा हुआ था कि दलित की इतनी बेरहमी से मारपिटाई की गई थी कि उसकी 1 सैकड़ा से अधिक हड्डियां टूट गई, यही वजह उसकी मौत का कारण बनी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी सहित उसके साथियों ने सुनियोजित योजना बनाकर दलित की सामूहिक हत्या कर उसे रास्ते से हटा दिया था। इसके बाद आरोपियों ने उसके घर को भी तहस नहस कर दिया। इस मामले में शिकायत दलित की पत्नी व उसके परिजनों ने एसपी से की थी। जांच में यह तथ्य सामने आया था कि आरोपियों ने मिलकर दलित की हत्या की है। हत्या के बाद इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई थी जिसकी सुनवाई करीब 1.5 साल तक चली। इस पर विशेष न्यायाधीश ने हत्या के मामले में मऊ खान के पूर्व सरपंच और उसके बाकी साथियों को दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। देख लो कि ये लोग बजा है।